Hello everyone. How are you all? Hello Drishti ji, how are you? Hello Sanjeevni ji. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ना, बहुत दिन बाद आए हो आज आप. हेलो रेशमा जी, हेलो इंद्रा जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर. वेरी गुड आफ्टरनून सुनीति जी. ओके, सो दिस इज द कंप्लीटेड क्ले वर्क. मैंने अपने पेज पे पिक पोस्ट भी किया था, आप लोगों ने देखा होगा. सी ये है ये क्ले वर्क. मैंने ये पेटल्स बताए थे 3-4 पिछले सेशन में, एंड सेम वे आई हैव कंप्लीटेड द होल राउंड, देन अगेन होल राउंड, एंड दिस इज द सेंटर. ओके, एंड दिस फ्लावर्स आई हैड मेड इन फ्रंट ऑफ यू ओनली. हेलो दृष्टि जी, हेलो कोमल जी, संजीवनी जी, बहुत गर्मी है नागपुर में, इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत. आप अभी से हमको बस दिन भर सुबह 8-9 बजे से ही गर्म होना शुरू हो जाता है. हेलो शिखा जी. सो आज हम अभी इसमें थोड़ा काम करेंगे, और उस दिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, फ़ोन पे भी कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट किया, कि मार्बल क्ले आखिर बनाते कैसे हैं. सो आई विल शेयर दैट रेसिपी ऑल्सो टूडे. बिफोर दैट I would like to show ना, wait, ऐसे ही दिखाती हूँ मैं. See, this was the flower which was made using a paper mache clay. Hello Sakshi ji. And this is a flower which is made using a marble clay. Okay, you can see the difference. Like हर clay का अपना अपना होता है. आपको जो क्ले कंफर्टेबल लगती है आप यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल इट हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस कि कहाँ पर कौन सी क्ले यूज़ करनी है. हेलो उपमा जी, आप ऐसे लमासा क्ले ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते ज़्यादा, और पेपर मैशे ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हो. कभी कभी इसमें थोड़े बहुत क्रैक्स भी आते हैं, बट दैट्स ओके, दैट क्रैक्स कैन हैपन इन द दिस मार्बल क्ले ऑल्सो, तो हम क्रैक्स को फील कर सकते हैं. हेलो शिखा जी. सो दिस वे टुडे हम लोग पहले, हेलो जयश्री जी, हाउ आर यू, हेलो रजनी जी. सो 97 पीपल आर हियर. वीडियो शेयर कर दीजिए एक बारी ताकि और लोग ज्वाइन कर पाए. सी क्रैक्स आते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, थोड़ी बहुत क्रैक्स आप जब काम करते हो तो आ जाते हैं, या नहीं भी आते हैं तो भी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्ले वर्क करने के बाद एक बारी, ये ट्रैक्टर इमल्शन एशियन पेंट्स का कहीं पे भी आपको मिल जाता है, किसी भी हार्डवेयर शॉप में ये इजीली अवेलेबल है. कुछ 150-200 का डिब्बा आता है और बहुत सारा होता है. हम घर में रूफ जब पेंट करवाते हैं तो वी यूज दिस ट्रैक्टर इमल्शन, तो ये आप लेके आ सकते हो. और मान लो आपने सिर्फ वाइट ही रखना है तो इसको कोट करके भी अपने पीस को रख सकते हो, बहुत सुंदर दिखता है, वो हम आज देखेंगे. हेलो मनीषा जी, हेलो कोमल जी. सो ये ट्रैक्टर इमल्शन है. हाँ जी दृष्टि जी, क्यों नासिक में गर्मी कम है क्या? हेलो निवेदिता जी. सो आई एम टेकिंग दिस ट्रैक्टर इमल्शन, मैं थोड़ा सा लूंगी और थोड़ा सा हम इसको कोट कर देंगे.
मेरा एक्चुअली पढ़े पढ़े। थैंक यू रम्या जी। नहीं रजनी जी, आज मैं बताऊंगी मार्बल क्ले कैसे बनाना है और कैसे उससे काम करना है। मेरी फटी फटी नहीं बनी है, बट स्टिल आई एम अप्लाइंग दिस इमल्शन। सी, मैंने पेज पे पिक अपलोड भी किया है, कहीं भी फटी नहीं है। एक जगह ये जो है ये क्रैक नहीं है एक्चुअली, ये थोड़ा दूर से मेरा पेटल लेने में आ गया है, इस वजह से है। ये जो एक दो जगह दिख रहा है, क्रैक्स कहीं भी नहीं आए हैं। सी, पूरे फ्लावर में आपको कहीं भी क्रैक्स नहीं दिखेंगे। तो क्रैक्स नहीं आते हैं। द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो आज हमने बतानी है। मैं बताऊंगी आपको कि क्यों क्रैक्स आते हैं कभी कभी। बिफोर दैट हम इसको इमल्शन लगा लेते हैं एक बारी। सो सी, आई हैव टेकन इमल्शन ओनली, और मेरा काफ़ी टाइम से पड़ा है ये, तो थोड़ा थिक हो गया है, ठीक है। सो आई एम एडिंग ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन इट। ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड करूँगी मैं, बस बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना थिक नहीं चाहिए, अदरवाइज हमने जो लाइन्स बनाई है ना, वो जो लाइन्स हैं वो चली जाएंगी। ऑलमोस्ट 300 पीपल आर लाइव हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम टू आरती क्रिएशन। हेलो जया जी, हाउ आर यू? ओके, दोज हु आर वॉचिंग शेयर द वीडियो वन सो दैट मेनी अदर कैन सी। हेलो श्वेता जी। सी, मैंने पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब भी आप कोई भी मिक्सचर बनाओ, भले ही वो मार्बल पाउडर और फेविकॉल का हो या कोई भी मिक्सचर बनाओ, उसको अच्छे से मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। तरुणा जी, बेस में मैंने तो कार्डबोर्ड ही यूज़ किया है। आप MDF यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू मेक इट एज़ अ की होल्डर, तो आप इसमें MDF भी यूज़ कर सकते हो, वो थोड़ा ज़्यादा टिकाऊ रहेगा, अच्छा रहेगा एकदम। और अदरवाइज हार्डबोर्ड कार्डबोर्ड अगर बच्चों के साथ बनाना है तो आप ऐसे ही बना सकते हो। हेलो स्वाति जी, हेलो नैना जी। सो सी, अभी मैं इसके ऊपर, हेलो विभूति जी। सो ये देखिए, ये है, और मैं इसके ऊपर ये इमल्शन, ट्रैक्टर इमल्शन जो होता है उसका एकदम थीन कोट लगा रही हूँ। ये ट्रैक्टर इमल्शन आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में इजीली मिल जाएगा। थैंक यू सोनाली जी, थैंक यू सो मच। हेलो प्रतिभा जी। इसको लगाने में कोई खास आपने वो नहीं दिखाना है, टैलेंट नहीं दिखाना है, बस ब्रशेस के निशान ना आए। तो अगर पतला रहेगा तो वैसे भी आपके ब्रशेस के निशान नहीं आएंगे ज़्यादा। नेम प्लेट बना रहे हैं स्वाति जी हम। आप इसको किड्स रूम में भी यूज़ कर सकते हो एज अ वॉल डेकर बोल के। किड्स रूम के बाहर नेम प्लेट लगा सकते हो भाई बहनों का, और भी बहुत सारे हैं। इसको की होल्डर बना सकते हो। थैंक यू तृप्ति जी। बिल्कुल कविता जी, बस अभी बताएंगे। इसका एक पिछला वीडियो भी था, आप मेरे ग्रुप में देख सकते हो, आर्टिफिकेशन पॉइंट ग्रुप में, जब मैंने ये बनाना सिखाया था नेम प्लेट, क्ले वर्क किया है उस दिन, और टुडे विल डू कलरिंग। थैंक यू विभूति जी। सो सी, दिस वे ओनली यू हैव टू कोट। कुछ नहीं करना है, बस लेना है और लगाना है।
हाँ जी श्वेता जी, वीडियो बिल्कुल रहेगा आरती क्रिएशन पॉइंट में। आप ग्रुप है मेरा आरती क्रिएशन पॉइंट बोल के, आप वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी वीडियो सेव रहेंगी। हेलो आशा जी, सी दिस वे आई हैव कंप्लीटेड वन फ्लावर एंड सेम वे से मैं इसको भी कर रही हूँ। ये हमने पेपर मैशे क्ले से बनाया था उस दिन, ये वाला जो है फ्लावर वो पेपर मैशे क्ले से बनाया था मैंने। हाँ जी रजनी जी, बिल्कुल बताएंगे अभी आपको क्ले के बारे में, डेफिनेटली विल टेल यू अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ क्ले। लाइक आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयर ड्राई क्लेज ओनली। हेलो मिताली जी, थैंक यू ईशा जी। बहुत ज़्यादा धब्बे जैसा भी नहीं लगाना है एकदम, कि उसी के इम्प्रिंट्स आ जाए। हेलो नमिता जी, हाँ जी बिल्कुल उपमा जी बिल्कुल, आज हम इसके बाद, ये वैसे भी ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेगा, सो हम मार्बल क्ले आज बिल्कुल बनाएंगे। हेलो आरती जी, प्लीज डोंट कॉल मी मैम, हाँ यू कैन कॉल मी राधिका, आई वुड लव टू हियर राधिका। हेलो वन्ना जी, हेलो सुयोगा जी, हाउ आर यू। हेलो पल्लवी जी, दीपा जी ये फ्लावर हमने पिछले वीडियो में बनाया था, मैंने बनाना बताया है, आप आर्थिक क्रिएशन ग्रुप जो है पॉइंट वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पूरी वीडियो सेव है, आप देख सकते हो, बना सकते हो। थैंक यू आरती जी। सी हेलो गुंजन जी, आई हैव और सारे फ्लावर्स को मैंने लगा दिया है। या शो आई एम सेंडिंग यू द व्हाट्सएप लिंक, यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई विल सेंड यू द लिंक, ग्रुप लिंक एज वेल। थैंक यू मंजू जी, हाय पल्लवी जी, हेलो दीपिका जी। सी ये मैंने लगा दिया है इमल्शन, अभी ये ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेगा। बिफोर दैट वन मोर थिंग इज कि इफ़ यू कैन सी, इफ़ यू कैन सी दिस फ्लावर, तो मैंने यहाँ का ये जो पोर्शन है ये कार्डबोर्ड का, ये कट नहीं किया है, तो आपने अगर कट करना है तो आप कट भी कर सकते हो। हेलो डरोती जी, और कट करना है तो कट भी कर सकते हो, आई डोंट वॉन्टेड टू कट, सो मैंने कट नहीं किया है। क्ले भाभी शिवानी मेरी क्ले, मैं समझी नहीं सोनल जी आप क्या बोल रहे हो। हेलो पल्लवी जी, एंड इन दिस फ्लावर आई हैव कटेड ऑल द कॉर्नर्स, आप अगर देखोगे तो इसमें अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो इट्स अप टू अस कि आपने बेस में कुछ चीज़ रखनी है या नहीं रखनी है। मुझे यहाँ नहीं कट करना था तो मैंने नहीं किया, इसमें मुझे कट करना था तो मैंने कर दिया, मतलब जब आप ये वॉल पे हैंग करोगे तो आपका कार्डबोर्ड नहीं दिखाई देगा इसमें। ओके हेलो रेखा जी, हेलो मित्तल जी, सो आई एम कीपिंग इट असाइड।
और ये, हेलो सुनीता जी, बचा हुआ जो इमल्शन है हम फिर से डाल देंगे इसमें। और ये वेस्ट नहीं होता है, इमल्शन ख़राब भी नहीं होता है, तो जो भी बच जाए। एंड इमिजिएटली गुंजन जी, ये नेम प्लेट बना रहे हैं हम, और ये बनी है क्ले से। और इमिजिएटली जब भी आप ये इमल्शन से काम करो तो ब्रश को इमिजिएटली पानी में डिप कर दो, तो उससे आप थोड़ी देर बाद भी, अभी काम में हो तो आप बाद में भी अगर ब्रश को साफ़ करना चाहो तो कर सकते हो, वो इजीली निकल जाता है एज इमल्शन इज़ वाटर सोल्यूबल। हेलो माया जी, हेलो रितिका जी, हेलो संगीता जी, हेलो दिव्या जी, थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो मच। डू मेक समथिंग विथ इट एंड शेयर पिक्चर्स सो दैट आई वुड नो कि हाँ क्या बना रहे हो आप लोग। थैंक यू सरिता जी। ओके, हाय स्वीटी जी। सी ये देखिए, परात है छोटी सी, आप जिसमें आटा गूंथते हो ऐसा कुछ भी आप ले सकते हो। हेलो हिमाली जी, ऐसा कुछ भी आप ले सकते हो, मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगा है, पूरी खाली है। हेलो शैला जी। और इसके बाद थोड़ा सा तेल, कोई भी तेल ले सकते हो, इट्स नॉट लाइक कि आपने बेबी ऑयल लेना है, खाने के तेल लेना है, नारियल तेल लेना है। हेलो ऋचा जी, ऋचा जी यहाँ सब कुछ होममेड क्ले से बन रहा है, मार्बल पाउडर क्ले से बनाया था मैंने, और आप चाहो तो पेपर मैशे क्ले से भी बना सकते हो, मोल्डेड भी यूज़ कर सकते हो। दोज हु आर नॉट हैविंग मार्बल पाउडर और मोल्डेड भी नहीं है तो आप लोग डेफिनेटली ये भी यूज़ कर सकते हो। सॉरी आई वॉज लाइक, जिनके पास मार्बल पाउडर और चॉक पाउडर अवेलेबल नहीं है तो यू कैन यूज मोल्ड इट ऑल्सो। ओके सोनल जी, पिक शेयर करिएगा बिल्कुल। अच्छा वो आप ही है जिन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट किया था फूड राखीज बनाने के लिए। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू स्नेहा जी। सी मैंने बस इसमें कुछ नहीं किया, ऐसे ही तेल लगा दिया है थोड़ा सा, सो दैट हमारे हाथों में वो स्टिक ना हो। और ये है मेरा मार्बल पाउडर। 436 पीपल आर वॉचिंग लाइव, वेलकम टू आर्थिकेशन। और मैं अंदाज से ले रही हूँ, कोई मैंने नाप तोल के नहीं रखा है, देखो ये अंदाज से ले रही हूँ बिल्कुल। मुझे कुछ प्रोजेक्ट के लिए ऐसे भी क्ले बनानी थी तो सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लो। हाँ जी मित्तल जी, सिरेमिक पाउडर का भी बना सकते हैं, लेकिन हर क्ले का ना अपना थोड़ा थोड़ा अलग होता है। सिरेमिक का बनाने के बाद उसके ऊपर फेविकॉल और वाटर का थोड़ा सा मिक्सचर करके कोट कर देंगे तो उसके भी क्रैक्स चले जाते हैं पूरे, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सी आई हैव टेकन दिस मच अमाउंट ऑफ मार्बल पाउडर। श्योर शैला जी, मैं अभी नंबर पिन कर देती हूँ यहाँ पे। चॉक पाउडर के लिए फिर आपने पेपर मैशे क्ले बनानी होती है तरुणा जी। हाय नाबिया जी, वेलकम। ओके यू आर फ्रॉम बांग्लादेश। मार्बल पाउडर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो और अपने आसपास के हार्डवेयर शॉप्स में भी एक बारी देख सकते हो। नहीं ऋतुजा जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस हम नहीं यूज़ कर पाएंगे बिकॉज वो हार्ड हो जाता है ना, आपने तभी बना के तुरंत यूज़ करनी है तो ठीक है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो हार्ड हो जाता है। नाउ आई एम एडिंग फेविकॉल। ओके सॉरी फॉरगॉट टू शो यू, सी दिस इज अ फेविकॉल MR, ठीक है। श्योर लक्ष्मी जी, आई एम यूजिंग दिस फेविकॉल MR, ठीक है, एंड मार्बल पाउडर। और वी हैव यूज्ड अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑयल, बहुत थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया था। हम मार्बल क्ले बना रहे हैं रचना जी,
और आप इसको मिक्स करेंगे ऐसे आराम आराम से। वो पूरी का आटा लगाते हैं ना हम, जिसमें मोयन डालते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आटा पूरा अच्छे से मोयन को मिक्स कर लेते हैं, वैसे धीरे धीरे आप करिए। हाँ जी मित्तल जी, मैंने व्हाट्सएप लिंक पिन कर दी है, आप चेक कीजिएगा, कमेंट्स में आपको दिखाई देगा। एज सच कोई ब्रांड नेम मुझे भी नहीं पता है श्वेता जी। हाँ जी रेशमा जी, रिलीफ आर्ट के लिए मार्बल क्ले ही यूज होती है। नो डियर, व्हाइट सीमेंट कैंट बी यूज, व्हाइट सीमेंट भी हार्ड हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, वो फिर हार्ड होने लगता है, सो यू कैनॉट यूज व्हाइट सीमेंट। बिल्कुल तृप्ति भाभी, हाय हाउ आर यू, थैंक यू। मार्बल पाउडर समटाइम्स यू मे गेट इन अ ग्रे कलर भी मिल सकता है आपको, बट अगर आप क्ले वर्क कर रहे हो तो इट्स फाइन, आप ग्रे कलर का भी मार्बल पाउडर यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फॉर रिलीफ वर्क के लिए जो है वो आपने वाइट मार्बल पाउडर ही यूज करना है, क्योंकि रिलीफ में हम बॉर्डर्स को क्लीन करते हैं तो ग्रे का जो लुक है वो उतना अच्छा नहीं आता है। थैंक्स कीर्ति, हाउ आर यू डियर। रेशमा जी, ये क्ले आपने 7-8 दिन तक तो इजीली रख सकते हो एयरटाइट में बॉक्स में, अगर आप रखते हो पॉलिथीन में रैप करके तो कुछ नहीं होता है। रुतुजा जी विल शो यू रिलीफ वर्क। सॉरी हमारा जी, यू कैन नॉट यूज कॉर्नफ्लोर, उसकी दूसरी क्ले होती है जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने पेज पे शेयर की है। नहीं अनुश्री जी, कोई भी क्ले आइटम में फंगस नहीं आता है, मार्बल क्ले में तो आता ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपने कुछ डाला ही नहीं है जिसमें फंगस लग सके, और क्रैक्स भी नहीं आते हैं। आई विल शो यू, अगर आप मेरे पेज पे चेक करेंगे तो आई हैव डन कृष्णा इन क्ले, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, पिकॉक बनाया है और सब स्वैन लाइक भी बनाया है, और सारा मैंने वो इसी क्ले से बनाया है, मार्बल क्ले से, तो क्रैक्स नहीं आते हैं। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू नीड इट वेरी प्रॉपरली एंड पेशेंटली, जल्दी मत करिए, गाँठे मत पड़ने दीजिए उसके अंदर, आराम आराम से करिए। बिल्कुल रेशमा जी, बिल्कुल सिखाएंगे रिलीफ आर्ट, इनफैक्ट यू कैन ज्वाइन अ क्लास, में अभी मैंने एक क्लास अनाउंस की है, बहुत ही नॉमिनल फीस पे है वो क्लास, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आप सब कुछ सीख लोगे, यानी एक ही क्लास में आप पूरा रिलीफ का जो है फ्रॉम ए टू जेड यू विल लर्न। नहीं दीप्ति जी, मार्बल पाउडर और सिरेमिक पाउडर बिल्कुल भी सेम नहीं है, दे बोथ आर डिफरेंट, कुछ भी मिक्स नहीं किया वैशाली जी, सिर्फ मार्बल पाउडर एंड वॉट एम आर फेविकॉल। मार्बल पाउडर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, डिफरेंट ब्रांड्स हैं अमेजोन पे, यू कैन चेक फ्रॉम देयर, और आप आपके आसपास अगर कुछ है मार्बल फैक्ट्री ऐसे मार्बल टाइल्स का वगैरह, तो उनके पास भी जाके आप एक बारी इंक्वायरी कर सकते हो। क्ले बनाने के लिए तो उन लोगों के पास भी मिल जाता है, वो थोड़ा ग्रेइश कलर में होता है बट मिल जाता है। इवन आई हैव बॉट दिस फ्रॉम दैट मार्बल शॉप वाले भैया के पास से ही खरीदा है मैंने भी ये वाला, एंड दे गिव इट एट अ वेरी रीजनेबल रेट, नो 40-30 रुपीज़ पर केजी आपको दे देते हैं।
शैला जी, आई एम फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र। दीपिका जी, प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। वैसे जो रिलीफ की क्लास है उसका मैंने 600 रखा हुआ है फीस विदाउट मटेरियल। आई डोंट नो अबाउट द मून क्ले वैशाली जी, बट वॉट आई नो इज कि क्ले इज़ वेरी गुड। आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ अ मून क्ले और नॉट, बट वर्क विथ इट, इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड वेरी नाइस एक्चुअली। आई एम एडिंग लिटिल मोर ऑफ पाउडर, मुझे लग रहा है कि थोड़ा गीला है। आप इसको जब बनाते हो तो थोड़ा टाइट ही बनाइए इनिशियली और अच्छे से ताकत से। आई एम रिपीटिंग अगेन। हेलो पूजा जी, हेलो आदि जी। रिपीटिंग अगेन कि क्या बोल रही थी मैं, हम भूल गए। हाँ, इसको ना बहुत अच्छे से गूंदिए। द ओनली थिंग कि आपका क्ले बहुत अच्छा बने उसके लिए सिर्फ एक चीज़ है कि आप क्ले को बहुत अच्छे से गूंदो। उसको ऐसे नरम मत रखो। सी, एक होता है फुलका, बिल्कुल शैला जी, आप ऑनलाइन में भी ऑफलाइन जैसा ही एक्सपीरियंस करेंगे, डोंट वरी। हाँ, दैट इज वॉट आई वॉज टेलिंग। हे, हाय दिव्या जी, यू आर ऑल्सो फ्रॉम नागपुर, वेयर डू यू स्टे? डव जो है वो आपका पूरी के आटे का जैसा होना चाहिए। एक होता है फुलका जो हम डेली घर में बनाते हैं और एक होता है, हाय मीगा दी, हाउ आर यू, एक होता है पराठा और एक होता है पूरी। पूरी जो हम तेल में तल के बनाते हैं गोल गोल वाली, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने वैसा ही बनाना है। क्या हुआ सोनाली जी, किस चीज़ का रिप्लाई नहीं दिया मैंने? मे बी आपका कमेंट मिस हो गया होगा। गीता जी, मार्बल पाउडर एंड MR फेविकॉल, द ओनली इंग्रेडिएंट्स आर मार्बल पाउडर एंड MR फेविकॉल। आई एम नॉट, नहीं रेखा जी, शाडू माती इज नेचुरल क्ले और मार्बल पाउडर इज बेस्ट ऑफ जो मार्बल होता है, क्या बोलते हैं, मार्बल जो हम घर में लगाते हैं ये उसका डस्ट होता है। हेलो प्रीति जी, हेलो अपूर्वा जी, हेलो अबोली जी। सी, इट इज़ वेरी हार्ड ना, बहुत हार्ड मतलब एकदम ही हार्ड नहीं करना है। हाय मेघा दी, मेघा जी, हाँ सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट दैट यू आर मेघा दी नॉट जी। अगर हल्का फुल्का वर्क करना है मेघा दी तो इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अगर कुछ हैवी वर्क करना है तो कैनवस के पीछे जो सपोर्ट आपने लगाया है MDF, उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कैनवस जो है वो हमारी बेंड हो जाएगी। ठीक है, हेलो गीता जी, हेलो संध्या जी। सी, ये बन गई हमारी क्ले। ठीक है प्रीति जी, आप अपने आसपास हार्डवेयर शॉप्स में वगैरह एक बार ही चेक कर सकते हो, बट डोंट गेट कन्फ्यूज इन द सिरेमिक पाउडर एंड द मार्बल पाउडर, क्योंकि होता है ऐसा कि आप हार्डवेयर शॉप में मार्बल पाउडर बोलते हो एंड ही गिव्स यू द सिरेमिक पाउडर विद द सेम नेम, मैम ये ही मार्बल पाउडर है करके, तो आस्क हिम। मार्बल पाउडर का मैं बताऊँगी आपको अभी निकाल के, एक ये होता है जिससे कि आप उसको पहचान पाओ। सी, दिस इज़ डन। अभी आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, हाँ तो मैं ऐसे ऐसे लगाया और ये क्ले लिया।
हेलो उस्मान जी, हेलो भूमिका जी। अनेहा जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्ले यू वांट टू लर्न? सी, ये बन गया हमारा। मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। हेलो नंदिनी जी, बिग हाय टू ऑल हु आर वॉचिंग, वेलकम टू आरती क्रिएशन। हेलो आयशा जी, हेलो रंगोली जी। हाँ जी रेशमा जी, बिल्कुल, जो क्वांटिटी बनाई थी उसमें इतनी क्ले में आपका ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये पूरा बन जाएगा। शैला जी, आप इसको 7 to 8 days इजीली रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। आप इसको रखो एयर टाइट, जैसे कि मैं अभी करूँगी। ये पन्नी लिया मैंने, आपने इस क्ले को इसमें डाला, इसको अच्छे से ऐसे किया, ऐसे किया, और अब इसको एक एयर टाइट बॉक्स में रख दो और कुछ मत करो। आपकी क्ले सेफ। हाँ, एंड वन मोर थिंग इज कि ये क्ले ना, जैसे आज बनाई है तो आप कल यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। आप एक दिन पहले क्ले बना के रख लो तो ज़्यादा अच्छे से काम करती है। नहीं राखी जी, क्रैक्स नहीं आते अगर आप क्ले ऐसे बनाओगे, और जब इससे काम करोगे तो पानी कम यूज़ करोगे, ठीक है? इसको शेपिंग करने के लिए, जैसे मैंने उस दिन बताया था पिछली वीडियो में, जब मैंने ये फ्लावर्स बनाए थे, एक सेकेंड, जब मैंने ये वाले फ्लावर्स बनाए थे तो मैंने आपको बताया था कि इसको अगर हमने अच्छा करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे इसके ऊपर, पानी, पानी का हाथ लगाते हैं हम लोग फिनिशिंग करने के लिए। बट आप अगर बहुत ज़्यादा पानी लगाओगे तो क्रैक्स आएंगे, और क्रैक्स अगर आते भी हैं तो आई विल शो यू कि आप क्या कर सकते हो। लेट मी क्लीन माई हैंड्स, गिव मी जस्ट 2 मिनट ना, आई विल बी बैक। सॉरी, थैंक यू दुर्गा जी। सी, आई विल टेल यू कि अगर अगर बाय चांस क्रैक्स आ जाए, नॉर्मली आते नहीं हैं। नहीं, सोनी जी, फ्रीज वीज में रखने की ज़रूरत नहीं, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी क्ले को ख़राब करेगी। सो दिस वे व्हाट यू कैन डू इज, मैं बता रही हूँ अभी आपको। हाँ जी अबोली जी, फ्लावर मेकिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि ये जो क्ले होती है लमासा क्ले, दैट इज़ वेरी गुड, आप वो यूज़ कर सकते हो। और फ्रिज मैग्नेट्स के लिए आप ये वाले भी वीडियो ये वाले भी क्ले यूज़ कर सकते हो। कौन सी क्ले से बनाई थी अनुश्री जी आपने? ऐसा तो नहीं होता है। नहीं जया जी, ज्वेलरी अगर आपने बनानी है तो यू हैव टू यूज़ लमासा क्ले और पॉलीमर क्ले, उससे ज्वेलरी बहुत अच्छी और डेलिकेट बनती है। बाकी जो क्लेज है उससे इतनी अच्छी नहीं बनती है ज्वेलरी। लाइक छोटे छोटे फ्लावर्स बनाते हैं ना हम ज्वेलरी में, आप एक हाथ बार मोल्डेड भी यूज़ कर सकते हो ज्वेलरी के लिए, बट दिस क्ले इज़ नॉट गुड फॉर ज्वेलरी मेकिंग। दिस इज कॉल्ड एज मार्बल क्ले, एंड सी, क्या रिपीट करना है दीप्ति जी? सी, ये आप अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये यहाँ पर ये क्रैक है, मैंने ये पेपर मैशी क्ले से बनाया था और मेरा थोड़ा सा क्रैक आया है कॉर्नर्स कॉर्नर्स में। सो वॉट आई विल डू इज, ये मैंने लिया थोड़ा सा, ठीक है? श्वेता जी, आप बिल्कुल वीडियो दोबारा से देख सकते हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल फेविकॉल ने बनाया है। अगर बाय चांस किसी का कमेंट्स आर सो बहुत स्पीडली ऊपर जा रहे हैं,
अगर किसी का मिस हो जाए तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं डेफिनेटली बाद में रिप्लाई कर दूंगी। हाँ जी, फ्लेक्सिबल क्ले से ज्वेलरी बना सकते हैं, लेकिन आप जब कैंडल्स का वैक्स यूज़ करके फ्लेक्सिबल क्ले बना रहे हो तो मेक श्योर कि वो क्ले आप एक दो दिन में ही यूज़ कर लो, क्योंकि बाद में वो क्ले हार्ड हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्रैक था, मैंने हल्की सी जो क्ले है वो यहाँ पे ऐसे प्रेस करके लगा दी है। ठीक है, आई विल शो यू वन मोर टाइम। आपने क्या करना है, ये क्ले लिया मैंने छोटा सा ऐसे, और लंबा है मेरा गैप तो मैंने ये ऐसे बना लिया इसको, और ऐसे बना के जहाँ पे भी आपका क्रैक हो वहाँ पे आप रखिए। टेक अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, ये टीप पे मैंने पानी लगाया है फॉर द फिनिशिंग, और आप इसको पॉलीमर क्ले, ओवन ड्राई क्ले होती है सुनीति जी, पॉलीमर क्ले इज ओवन ड्राई क्ले, आपको उसको ओवन में बेक करना होता है और उसके बाद ही वो मतलब हार्ड होती है, और इट गिव्स अ लॉट्स ऑफ टाइम टू वर्क विथ। पॉलीमर क्ले के साथ आप खूब देर तक काम कर सकते हो क्योंकि वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती। लमासा क्ले जो है वो ड्राई हो जाती है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। सी व्हाट आई वाज शोइंग, ये अनदर जो क्रैक था वो भी चला गया। सेम वे से आप यहाँ पर और यहाँ पर भी फील करके ये क्रैक्स को गायब कर सकते हो। हाँ शुभांगी जी, चॉक पाउडर यूज़ करके आप क्ले बना सकते हो, जिसको हम पेपर मैशे क्ले बोलते हैं। इस कीर्ति इज़ हियर, कीर्ति ने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था पेपर मैशे क्ले का, एंड शी यूजेज इट, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। KSV आर्ट्स एंड क्राफ्ट बोल के हैं उनका पेज, तो आप उस पे पेपर मैशे क्ले की रेसिपी बिल्कुल देख सकते हो, मैंने भी वहीं से बनाई है। नहीं राधिका जी, एज अ जेसो ये क्ले नहीं यूज होगी। श्वेता जी, मार्बल डस्ट एंड वाइट सीमेंट में ये डिफरेंस है कि मार्बल डस्ट जो है वो आपका पानी में जाने के बाद हार्ड नहीं हो जाता, वाइट सीमेंट पानी में जाने के बाद थोड़ी देर में ही एकदम हार्ड होने लगता है, आप उससे बहुत देर तक काम नहीं कर सकते। हेलो मनीषा जी, नहीं सुनीता जी, पॉलीमर क्ले आपने मार्केट से खरीदनी होती है, उससे चीज़ें बनानी होती है और फिर उसको ओवन में बेक करना होता है, देन ओनली इट कैन वर्क प्रॉपरली। सो लेट्स स्टार्ट कलरिंग, करें आज कि बंद करें। सो आई एम यूजिंग ऑयल कलर्स हियर। मनीषा जी आप दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। करुणा जी, नमासा क्ले का वीडियो जो है वो मेरी पेज पे सेव है, तो आप आर्थिक क्रिएशन पॉइंट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। सी आई एम टेकिंग दिस पर्पल कलर फ्रॉम ब्रिस्ट्रो, आई डोंट नो ब्रिस्ट्रो के ऑयल कलर्स है ये, मैं ऑयल कलर्स कर रही हूँ, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, कौन से एक्रिलिक कलर्स। हेलो मोनिका जी, हेलो रितुजा जी, क्या कैसे बनाया। सो आई एम टेकिंग दिस पर्पल कलर एंड आई एम हैविंग, बता देती हूँ, ये प्लेट में मेरे पास ब्लू कलर ऑलरेडी रखा हुआ है, कोबाल्ट ब्लू, दिस इज़ फ्रॉम आर्टिस्ट कैमल कैमलिन के जो आर्टिस्ट कलर होते हैं वहाँ से है ये कोबाल्ट ब्लू कलर, एंड आई एम मिक्सिंग इट अ लिटिल बिट। अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं उसको।
need a little bit of हेलो रश्मि जी, हेलो सुजाता जी, ओके सो वो कलर लिया है मैंने, और क्योंकि मुझे शेडिंग करनी है तो ये मेरा ड्राई हो गया है. मैं ऑयल कलर में कोई ऑयल ज़रूरी नहीं है सुनीता जी कि ऑयल कलर में ऑयल मिक्स करनी पड़ती है. अगर आपने कलर ठीक लग रहा है तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है उसका कि ऑयल यूज़ करना ही है या नहीं करना है, ऐसा भी कोई रूल नहीं है. हेलो रुचि जी, हेलो रश्मि जी, एंड आई एम यूजिंग दिस हॉग हेयर ब्रशेस. इसके ब्रिसल्स अगर आप देखोगे तो थोड़े हार्ड होते हैं. फ्लैट ब्रशेस जो होते हैं ना हमारे सॉफ्ट हेयर्स वाले, ये उससे थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो इजीली कलर जो है वो स्प्रेड हो जाता है क्ले पे. ठीक है, यस ऋतुजा जी, आई मेड दिस क्ले इसी मार्बल क्ले से बनाया है मैंने, एंड नाउ आई एम टेकिंग व्हाइट कलर. एंड यहाँ इस पोर्शन में जो है मैं व्हाइट कलर लगा रही हूँ थोड़ा ऊपर ऊपर की तरफ. हेलो सुमेली जी, हेलो ऋतुजा जी, हाउ हाउ के लिए आपको मेरी पहली वाली जो वीडियो हुई थी 2 दिन पहले की, आरती क्रिएशन पॉइंट ग्रुप में है वो वीडियो, तो आप वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हो. हेलो श्वेता जी, हेलो दीपाली जी, अगर काम पसंद आ रहा है तो एक बारी वीडियो शेयर कर दीजिए. ठीक है, मैंने आउटर में सी थोड़ा सा लाइट शेड लगाया है, और अंदर में जो है वो थोड़ा सा ब्लू कलर लगाया है. नाउ व्हाट आई विल डू इज वी विल गोइंग टू मिक्स दिस टू कलर्स. With the another brush. Can we make figurines with this marble clay? No dear, figurines बनाने के लिए I would suggest you should use cold porcelain clay और lamasa clay. Yes Shaila ji, I am using oil color. Hello Usha ji, hello Ramila ji, hello Pooja ji. Sure dear, just WhatsApp me, I will send you the link. KSV आर्ट एंड क्राफ्ट बोल के है पेज उनका, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आई विल डेफिनेटली सेंड यू. ऊपर की तरफ से आएंगे हम नीचे की तरफ. हेलो कीर्ति जी,
आयशा जी, मैंने कोल्ड पोर्सलिन क्ले का रेसिपी शेयर किया है अपने पेज पे आर्थिक रेशन पॉइंट ग्रुप में, आप अभी भी वो वीडियो देख सकते हो, इट इज़ देयर। हेलो आयशा जी, बिल्कुल मार्बल क्ले कैन बी यूज्ड ऑन पॉट्स आल्सो। हेलो प्राची जी, राधिका इज़ वेरी कंफर्टेबल, नो नो नीड टू जी, लाइक मैं बहुत छोटी हूँ। हेलो गीता जी, साक्षी जी आप यही वीडियो दोबारा से देखेंगी ना जब, तो यू विल कैम टू नो कि हाउ टू मेक द मार्बल क्ले। मैंने बताया है, इसी वीडियो में बनाया है आप लोगों के सामने ही। या श्योर ऋतुजा जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर दीजिए, आई विल सेंड यू द ग्रुप नेम एज वेल। गेट दिस ब्रश इज नेम ऑफ द ब्रश टाइप। जयश्री जी, हॉग हेयर ब्रशेस है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, हॉग हेयर ब्रशेस इजीली मिल जाते हैं। आई ऑलवेज फॉरगॉट टू टेक समथिंग, ना कुछ ना कुछ रह जाता है हमेशा। पॉट में आप क्ले वर्क करने के बाद कोई भी कलर्स यूज कर सकते हो, एक्रेलिक यूज कर सकते हो। हेलो माला जी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन डियर, हाउ आर यू? और एक्रेलिक कलर यूज कर सकते हो, ऑयल कलर भी यूज कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। हेलो रश्मि जी, द ओनली थिंग इज ऑयल कलर्स टेक्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम टू ड्राई अप। मेरे पेज का नाम तो आर्थिक क्रिएशन ही है और ग्रुप है एक आर्थिक क्रिएशन पॉइंट बोल के, तो आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर सारी वीडियोज़ जो है वो हमेशा सेव रहती है। इनफैक्ट हमने उसमें एक थाई पेंटिंग वर्कशॉप भी लिया था, फ्री ऑफ ही था वो, और यू कैन वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो। एंड हेलो स्वागतिका जी, हेलो फजर जी, अस्सलाम वालेकुम, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। आई लिव हियर ऑन अमरावती रोड वाड़ी साइड। अच्छा लगता है नागपुर वाले लोग मिलते हैं तो। आप कहाँ रहते हो? सी ऐसे, अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा डार्क है, तो व्हाट आई कैन डू इज एक छोटा सा कॉटन का कपड़ा लेंगे। हाँ मोनिका जी, ओके, यू लिव इन नंदनवन, और ये छोटे से कपड़े से हम ऐसे इसको हल्का हल्का सा पोंछ देंगे, तो ये एक थोड़ा एंटिक सा लुक देगा। कितना टाइम हो गया है? ओके फजल जी, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, लव फॉर पाकिस्तान। कैन समवन से कितना टाइम हो गया है? नहीं शो कर रहा है मेरे यहाँ। हेलो वरलक्ष्मी जी, थैंक यू माला जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू गरिमा जी. अगर काम पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सी, ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लॉ. अगर आपने ज़्यादा इसको करना है तो आप ज़्यादा भी पोस सकते हो. मुझे ज़्यादा नहीं क्लीन करना है बहुत, सो आई एम जस्ट क्लीनिंग अ लिटिल बिट. नो, आई वॉज आस्किंग अबाउट राखी जी कि मुझे लाइव आए कितना टाइम हो गया है. हेलो ज्योतिका जी, हेलो हिमाली जी. सी, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर. ये अंदर का जो कलरिंग है वो हो गया है. सेम वे से हम बाहर का भी कलरिंग करेंगे एंड सेम ही वे से हम इनका भी कलरिंग करेंगे. आई विल कलर. एक्रिलिक कलर रेणु जी जल्दी सूख जाता है, तो एड लिटिल बिट ऑफ वाटर. थोड़ा सा ब्रश को जो है वो आप पानी में डिप कीजिए एंड देन उसके बाद काम करिए. डेफिनेटली आपका काम बहुत अच्छे से होगा. हाँ, थोड़ा सूख जाता है तो यू नीड टू बी लिटिल बिट फास्ट. और दूसरी एक चीज़ जो आप कर सकते हो. ओके, थैंक यू राखी जी, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग. सो आज के लिए रुकते हैं यहीं पे. आई विल पोस्ट द पिक ऑन माई पेज एंड टुमारो वी विल राइट द नेम ऑन इट. वो भी हम एक अलग तरीके से लिखेंगे. सो तब तक के लिए बाय बाय. यस, मेनी पीपल आर हियर एंड वे आर आस्किंग फॉर द रिलीफ आर्ट. सो दिस इज़ अ रिलीफ आर्ट. इसका मैंने क्लास अनाउंस किया है. 16x16 का साइज है ये एंड यू आर गोइंग टू लर्न टू डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीफ हियर. दिस इज़ पॉइंट रिलीफ एंड दिस इज़ एक नॉर्मल रिलीफ जो होता है वो. एंड एट अ वेरी नॉमिनल फीस. अगेन फीस इज जस्ट 600. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप. हाँ वरलक्ष्मी जी, मेरे पेज पे है इसका पहला वीडियो. मैंने आप लोगों के साथ ही ये फ्लावर्स और ये बताया था. इसके पहले वाला आप वीडियो देखेंगे आर्थिक क्रिएशन पॉइंट ग्रुप में तो आपको मिल जाएगा. थैंक यू मित्तल जी, थैंक यू अक्षय जी, हेलो गायत्री जी, थैंक यू यशा जी. सो इट्स टू मच नाउ. बाय बाय. थैंक यू अक्षय जी. नंबर मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है ऋतुजा जी. पेज नेम इज आर्थिक क्रिएशन एंड ग्रुप नेम इज आर्थिक क्रिएशन पॉइंट. शालू जी, शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. आप मेरे ग्रुप में देखेंगे तो इसका वीडियो सेव है, पहला पार्ट भी. थैंक यू टीना जी, चलो बाय बाय.